अजमेर के पालरा गांव में स्थित गोदाम में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर गोदाम से ब्रिज बनाने में काम आने वाली लोहे की 5 टन प्लेट चोरी कर फरार हो गए, जिनकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। मालिक की शिकायत पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पालरा गांव में स्थित गोदाम की देखभाल करने वाले केयरटेकर बिरधर सिंह ने बताया कि पालरा गांव में उनके मालिक अजय कुमार जैन का गोदाम है, जिसकी वह देखभाल करते हैं। देर रात चोरों ने गोदाम में प्रवेश कर ब्रिज बनाने में काम आने वाली लोहे की 5 टन प्लेट चोरी कर फरार हो गए। चोरी हुए माल की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। चोरी की जानकारी होने सुबह गोदाम पर पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा दी गई। गोदाम मालिक ने मामले की शिकायत आदर्श नगर थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सर बताइए कौन सी जगह है और क्या हुआ है? अलरा गाँव है, पालरा गांव में हमारी यार्ड है, ये इसकी देख रेख मैं ही करता हूँ। और यहाँ रात को सुबह गांव वालों ने बताया कि चोर प्लेटें ले जा रहे थे, जो चोर तो भाग गए और प्लेटें छोड़ कर चोर भाग गए। किस चीज़ का गोदाम है ये? ठेकेदार का गोदाम है सर, मेंटेनेंस का स्टोर एक तरह का। ये जी, तो ये किस चीज़ की प्लेटें थी? RCC ब्रिजों की। लगभग कितनी प्लेटें थी? कितनी प्लेटें थी? 5 टन के करीब थी सर। कितने का माल गया? माल का अंदाज तो सेठ ही बता सकते सर, 4-4.5 लाख का होगा। कौन सा थाने में मुकदमा दर्ज कराया? आदेश नगर थाने में। लगभग कितनी प्लेटें थी? 26 प्लेटें बची है को 5 टन में। ये क्या काम आती प्लेटें? सेटरिंग के लिए, ब्रिज बनाते तो ऊपर सेटरिंग के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, किन का गोदाम है? जैन साहब का। क्या नाम है पूरा? अजय कुमार जैन। ठीक है, आपका नाम? बिरधा सिंह रावत। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ देखभाल करता हूँ इसकी।